खरगोन जिले के किसानों को कपास का उचित दाम न मिलने पर आज दिन मंडी में विवाद हो रहे हैं। जिले के सनावद और बड़वाह कपास मंडी में बुधवार को किसानों ने हंगामा खड़ा कर दिया। आक्रोशित किसानों ने बड़वाह में चक्का जाम तक कर दिया। किसानों का आरोप है कि कपास खरीदी में CCI मनमानी कर रही है और फसल में नमी बताकर किसानों के पसीने की कमाई पर डाका डाला जा रहा है। दाम कम मिलने से किसानों ने हंगामा खड़ा कर दिया। कपास बेचने पहुंचे किसानों ने बताया कि CCI 5,100 से 5,700 रुपए प्रति क्विंटल का दाम देकर कपास खरीदती है, जबकि कपास में नमी बताकर 4,000 से 4,500 का भाव दिया जा रहा है, जो किसान हित में नहीं है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हंगामा किया, CCI पर आरोप लगाया कि भेदभावपूर्ण तरीके से खरीदी कर रही है। किसान भाइयों का कहना है कि CCI सभी तरीके का कपास खरीदे, जिसमें वर्षा प्रभावित काला पीला कोड़ी वाला कपास भी CCI खरीदे, पर चूंकि हमें जो गाइडलाइन भारत सरकार द्वारा दी गई है, जो नियम हमको दिए गए हैं, उसमें हम ये इस टाइप का कपास हम नहीं ले सकते। जो कपास FAQ क्वालिटी का जो कपास है 8 से 12% की, जिसमें नमी है, वही कपास केवल CCI खरीद रहा। उन्होंने आरोप लगाया है कि केवल देख कर ही आप डिसाइड कर लेते हो कि क्या खरीदना और क्या नहीं, मॉइस्चर जो मीटर है उसका आप उपयोग नहीं कर रहे हो। नहीं, मॉइस्चर मीटर हम केवल उसी गाड़ी पर लगा रहे हैं जो हमारे पैरामीटर में जो गाड़ी आ रही है, केवल हम उसी में मॉइस्चर मीटर लगा रहे हैं। जो जिसमें कपास बिलो FAQ क्वालिटी का कपास है, काला पीला कोड़ी वाला कपास है, हम उस गाड़ी में मॉइस्चर मीटर नहीं लगा रहे। आपके क्या FAQ है खरीदने के लिए, कपास खरीदने के लिए CCI के? जो विजुअल क्वालिटी व्हाइटनेस कपास में, जिसमें जो काला पीला जो कोड़ी कपास है वो उसमें बहुत कम या नहीं हो तो ही वो FAQ क्वालिटी का कपास है। सर, हर गाड़ी में मॉइस्चर मीटर लगाना जरूरी नहीं समझते आप? नहीं, जो हम मॉइस्चर मीटर केवल वही गाड़ियों में लगा रहे हैं जो FAQ क्वालिटी का है, जो CCI की रेंज में जो कपास आ रहा है, हम वही उसी गाड़ी में हम मॉइस्चर। कितना समय जाता है मीटर लगाने में? मीटर लगाने में 30 सेकंड। अगर आप वो लगा देंगे तो किसान संतुष्ट हो जाएगा ना, उसको पता चल जाएगा कि उसका कपास नहीं, शायद हमारा कपास खराब होगा। ये तो किसान नहीं भाई, मीटर तो उनको ही पता में गलागाली कर देता। नहीं, वो पता नहीं, पर उस एवरेज काट के ले उसको कपास को, कम से कम एक बोली तो लगाए उसको, यूं कहने का मतलब। और वो भी नहीं लगा रहा, वो नहीं लगा रहे बोली। वो व्यापारियों की क्या इसमें, वो जो उनने छोड़ी हुई वो 4,000 शुरू करते हैं, तजुब टेकते वही माल जो 5,500 का, 1,000-1,500 का फर्क पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? रविंद्र सिंह पंवार, सनावद। भैया, कपास की जो खरीदी चल रही है, ये जो कार्टन कारपोरेशन CCI है, ये गिनी चुनी गाड़ियाँ खरीदते हैं और बाकी गाड़ी छोड़ देते हैं, तो किसान का माल फिर व्यापारी मनमानी कीमत पर खरीदता है। तो हमारा प्रशासन से निवेदन है कि CCI का जो अधिकारी है वो किसानों की खरीदी मंडी में गाड़ियों के साथ घूम के करे, वो पहले जाके गाड़ियों को डिसाइड कर लेता है कि ये गाड़ी अच्छी ये खराब है, छोड़ देता है। तो जो गाड़ियाँ छूट जाती है फिर व्यापारी मनमाने तरीके से किसानों की गाड़ी खरीदता है। वो CCI तो खरीद रही है, उसका पैरामीटर लगा हुआ है 8 से 12% नमी वाला, वो लेते हैं कपास, इसमें थोड़ा बहुत चल। इससे ज़्यादा नमी वाला आएगा किसान का, वो नहीं खरीदेंगे? वो तो उनके जो पैरामीटर में आएगा वो खरीदेंगे, उसके अलावा नहीं खरीदेंगे। उसके अलावा भी अगर उनके जो क्वालिटी आएगी, कौड़ी कट्टी नहीं रहेगी तो खरीद लेंगे। जबकि सरकार तो कहती है कि हर किसान का कपास हर तरीके का खरीदा जाएगा। FAQ क्वालिटी का कपास खरीदा जाएगा। दूसरा व्यापारी खरीद रहे हैं वो? नहीं, CCI खरीदेगी कि नहीं खरीदेगी? शिवराज का कहना यह है कि हर किसान का कपास खरीदा जाएगा। तो है जो मापदंड दिए सरकार ने ही दिए मापदंड, उस मापदंड अनुसार खरीदे व्यापारी। जो अगर नहीं करती तो व्यापारी खरीदता है उस माल को? व्यापारी उस माल को एनोपूर्ण भाव में खरीद रहा है, नहीं 2,000 से 2,500 रुपए कम में खरीद रहा है। नहीं, 2,000-2,500 नहीं, 4,600-4,500 तक, 4,600-4,800 तक खरीदते हैं। जब CCI द्वारा जो यहाँ पर कपास खरीदा जा रहा है, किसानों का आरोप है कि आप उसको सही ढंग से खरीद नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। CCI के पैरामीटर 8 से 12% मॉइस्चर वाला कपास की खरीदी है, जो मैं 12% के पैरामीटर में जो रेट आता है वो रेट में देता हूँ। किसानों का कहना ये है कि आपका जो आद्रता मापक है, मीटर है, वो भी कुछ गलत बता रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, उसको लगाने का तरीका सही होना, बाकी मॉइस्चर मीटर बिल्कुल सही है, 12% मॉइस्चर नमी दिखाता है, 12 से ऊपर वाला है वो रिजेक्शन का रजिस्टर में। ऐसा नहीं, मंडी में 200 हान की हवा के, मैं तो मेरे पैरामीटर में जो हान आते हैं वो खरीदता हूँ, बाकी जो हल्के माल है वो छोड़ दो। उस गाड़ी को पूरे छोड़ दी तो उसमें किसान को व्यापारी भी डिफरेंस पहुंचाएगा कि जब भारत सरकार द्वारा जो खरीदी पे आए थे उनने तो माशेरे वो करके छोड़ दिया, तो उसमें भी किसान का नुकसान है सर, 1,000 से 2,000 रुपए का नुकसान है किसान का, थोड़ा बहुत नहीं है सर, पीछे हो जाओ थोड़ा थोड़ा। किसान के साथ वास्तविक में भारत सरकार ने किसानों के लिए ही भेजा है खरीदे के लिए, कि किसान को उचित मूल्य का दाम मिले, किसान को 3 ग्रेडी में कपास खरीदे, यदि फर्स्ट है तो उसको 5,700 का भाव मिले, यदि उससे और हल्का है
तो उसको 5400-5300 का मिले, और उससे कभी और भी हल्का है तो उसको 5000-4800 में खरीदे। तीन ग्रेडी भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए बनाए जाए और बनना चाहिए किसान के ऊपर। अभी किसान के ऊपर वास्तविक में पूछे जाए तो सर किसी किसान का 200 कुंटल कपास होता था, आज किसान ने पंजन जाके करा, तीन तीन दिन लग लैपटॉप ये खराब हो चुके, 50 रुपये पंजन में फोटो कापी के लगा चुके, और किसान का 10 या 20 कुंटल कपास आया है 5300 में, मंडी में बिक रहा था कपास, किसान ने सीसीआई के कारण अपना कपास नहीं बेचा कि अपन 5700 में बेचेंगे। चालू है हमारा किसान का कपास 4,4500-4800 रुपये आखिरी रेट है, और मन बनिया मतलब बनिया भाव ले रहे सीसीआई और किसान, ये बनिया की मिली भगत चल रही है इसमें। एक ही गांव का माल है, एक ही किसान का माल है, एक 5400 बिका है, 4700 रुपये बिका है, माल को देखो तो सही गाड़ी में। ये जो माल में जो ग्रेड में गिरावट करी व्यापारियों ने, क्या ये सीसीआई के आने के बाद? ये सीसीआई के आने के बाद ही है। उसके पहले क्या रेट बिकता था? उसके पहले 5200-5500 रुपये बनिया ही खरीद रहा, गीला माल खरीद रहा है, अब तो सूखा माल लेके आ रहा है। क्यों करा? अब ये तो सीसीआई की मिली भगत होती, हो सकता है सीसीआई की मिली भगत। नरेंद्र सोनतले, ग्राम सेवरला। क्या जाम करा मंडी के बाहर, क्या मामला है? वो सीसीआई की खरीदी को लेकर उन्होंने किसानों ने चक्का जाम किया कि सीसीआई की कम खरीदी हो रही है, जबकि जो सीसीआई की जो पैरामीटर है उस हिसाब से वो खरीदी कर रहे हैं। तो ये क्या कारण है मैडम, नहीं ले रहे हैं कुछ गाड़ियाँ, कुछ खरीद रहे हैं? इनके जो भारत सरकार के जो गाइडलाइन है उनका ये कहना है कि जो गाइडलाइन है हम उसके अंतर्गत खरीद रहे हैं कि 12% के अंदर जो मॉइस्चर आएगा उस हिसाब से, और कोड़ी कट्टा काला और पीला वाला कपास वो नहीं खरीद रहे। मैडम अभी क्या हुआ है, इसका निराकरण क्या निकला? अभी किसानों को समझाई दी है और उनको भी सिंचाई वालों को भी बोला है कि आप अधिक से अधिक किसानों का जो आपके पैरामीटर में आ रहा है उसको लेके खरीदे, और प्रत्यक्ष में वहाँ खड़े होकर उनकी नीलामी चालू करवाई। किसान आंदोलन समाप्त करके खरीदी के लिए आ गए? हाँ, खरीदी के लिए आ गए। सीसीआई जो भारत सरकार की कंपनी है कपास खरीदी करने वाली, वो कपास किसानों का नहीं खरीद रही है, और कहीं ना कहीं गीले कोड़ी कट्टी का बहाना बनाकर किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है क्या, और किसानों को परेशान कर रही है। किसान लगभग सीसीआई के भाव में और व्यापार के भाव में 1500 का अल्टर आता है, 1500 कम में माल बेचकर अपने घर जाता है, पूरी तरह किसान अपने आप को ठगा महसूस करता है। क्या कारण बताया आपको कपास नहीं खरीदने के? 3-4% माल ही सीसीआई भारत सरकार की कंपनी खरीदी कर रही है, बाकी किसानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर रही है। कारण क्या बताया? नहीं खरीदने का कारण क्या होगा? कोड़ी नहीं खरीदने का कारण क्या बताया? नमी का बता रहे हो? और नमी मास्टर ने चेक नहीं कर रहे हैं, मास्टर चेक नहीं कर रहे, नमी का बहाना बना रहे हैं। इस बारे में उनसे चर्चा की आपने? अभी चर्चा हुई यहाँ रोड पे तहसीलदार महोदय के साथ। क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने बोला हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम निरीक्षण करके बता देते हैं कि कपास में नमी है कि नहीं है। मीटर नहीं लगा रहे? मीटर नहीं लगा रहे, और ऐसे किसान को गुमराह कर रहे हैं। कि आप मंडी में केवल 2 या 3 गाड़ियां खरीद रहे हो, लेकिन चोरी छुपे बाहर से गाड़ियां आप खरीद रहे हो कपास की? बिल्कुल निराधार ये आरोप है। सारी जो भी गाड़ियां खरीदते हैं पूरी मंडी से गाड़ियां होती है, आप सारे रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, कोई सी भी गाड़ी, कोई डायरेक्ट गाड़ी, कोई इस टाइप का काम नहीं हुआ। पहले दिन भी आपने 2 गाड़ियां खरीदी, और अभी तक कुल कितना कपास खरीदा है आपने? नहीं, पहले दिन 2 गाड़ियां नहीं खरीदी, बेल गाड़ियां 2 थी, बाकी टोटल वाहन तो हमने 12 के समथिंग हमने उस दिन टोटल गाड़ियां सिलेक्ट की थी पहले दिन। अभी तक आपने कुल कितना कपास खरीदा है और कब से खरीदी चल रही है? 22 अक्टूबर से खरीदी यहां पर चल रही है, और अभी तक लगभग 3000-4000 कुंटल के आसपास कपास हमने खरीद लिया। किसानों ने गालों को लगाया कि सीसीआई और व्यापारी आपस में सेटिंग करके किसानों को बेवकूफ बना रहे हैं। इस टाइप का कोई काम नहीं। सीसीआई जानबूझ के कुछ कपास नहीं खरीदती है और रिजेक्ट कर देती है किसानों का, जिसके बाद किसान व्यापारियों को अपने उपज बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जबकि उनका जो कपास है वो मापदंड के अनुसार है। नहीं, सीसीआई केवल जो एफएक्यू क्वालिटी का कपास है वही खरीद रही है, और हम पूरी तरीके से किसानों के साथ हैं, जो कपास हमारे पैरामीटर में आ रहे हैं वही कपास खरीद रहे हैं, बाकी का कपास जो हमारे पैरामीटर में नहीं है वो हम नहीं खरीद रहे। तोल काटा वो बोल रहे हैं कि तोल पैरामीटर तो
सिर्फ ये मीटर तो लगा ही नहीं रहे हैं, आंखों से देख के ये किसानों को रिजेक्ट कर दे रहे हैं। सर विजुअली तो हम कपास देखते ही हैं, उसके बाद जो हमारा पैरा मीटर में है उसको हम मॉइस्चर मीटर लगा रहे हैं, हर गाड़ी पर हम मॉइस्चर मीटर नहीं लगा रहे। कोई आपको लक्ष्य मिला है खरीदी के लिए यहाँ पे? नहीं सर, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। किसानों से क्या तय निर्धारित बोल रहे हैं सर, खरीदी किस रेट पर हो रही है? सीसीए की 8% से 12% मॉइस्चर तक की कपास खरीदी हो रही है, जिसमें 5725 से 5496 रुपए तक के भाव किसान भाइयों को दिए जा रहे हैं। ठीक है सर, शुभ नाम सर। गीत जैन, असिस्टेंट कमर्शियल एग्जीक्यूटिव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।